नमस्कार दर्शकों, मैं आर एस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, ऐसे में मेष राशि पर राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 मई तक राहु और केतु मेष राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु और शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। और चार ऐसे बड़े ग्रह हैं, इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है विशेष माना जाता है, क्योंकि ये लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और लंबे समय तक एक जैसा फल देने का काम करते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये कभी वक्री भी हो जाते हैं और कभी मार्गी भी हो जाते हैं। ऐसे ही राहु और केतु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 1.5 वर्ष तक एक जैसे फल देने का काम करते हैं। ये कभी भी मार्गी नहीं होते हैं, न कभी आगे बढ़ते हैं न पीछे हटते हैं। एक जगह यदि बैठ गए हैं तो 1.5 वर्ष तक एक ही जगह बैठे रहेंगे और एक जैसा फल देने का काम करेंगे। ऐसे ही गुरु है, गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये कभी वक्री होते हैं और मार्गी भी होते हैं, लेकिन राहु और केतु ये कभी भी मार्गी नहीं होते और ना ही इनकी गति कभी कम होती है और ना तेज होती है, एक जैसी गति होती है। तो राहु केतु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। हम जानेंगे कि मेष राशि वालों के लिए अगले जो 1.5 वर्ष का समय है ये राहु और केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो यदि हम देखें तो अभी तक मेष राशि में राहु गोचर कर रहे थे और तुला राशि में केतु गोचर कर रहे थे। राहु भ्रमित करने का काम कर रहा था मेष राशि वालों के लिए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करने का काम कर रहा था और बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने का काम कर रहा था। तो यहां पर डिसीजन लेने में समस्याएं हो रही थी और वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु उल्टी गति से, वक्री गति से ये 12वें भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले और मई 2025 तक आपके 12वें भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे। वही केतु जो है तुला राशि को छोड़ करके, सप्तम भाव को छोड़ करके आपके 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु के घर में जो है मई 2025 तक गोचर करने वाले। ऐसे में मेष राशि पर अब क्या प्रभाव होगा? 12वां भाव जो है ये पाप भाव माना गया है और 6ठा भाव भी जो है ये पाप भाव माना गया है, त्रिक भाव माना गया और राहु और केतु दोनों ही पाप ग्रह हैं। जब पाप ग्रह पाप भाव में विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तो ज्यादा बुरा नहीं करते, कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं और कुछ बुरे परिणाम भी देने का काम करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए काफी कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और कुछ जगह आपको सावधानी भी रखनी होगी। राहु एक मायावी ग्रह, छाया ग्रह, जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है उसी के अनुकूल फल देने का काम करता है। अब मीन राशि में राहु जो है गोचर करेंगे। मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो लगभग 1 वर्ष तक आपकी ही राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, तो यहां पर शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद की बात कर रहा हूं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु जो है भाग्येश है और 12वें भाव के भी मालिक है। तो राहु आपको विदेश पहुंचा सकता है, यदि आप विदेश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि रंक से राजा बनाने का काम करते हैं।
जो दो नंबर के काम होते हैं वो राहु ही करवाने का काम करता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों पर राहु का प्रभाव होता है। यदि आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है तो इन सभी क्षेत्रों में बड़ा नुकसान करने का भी काम करेगा। तो इस चीज को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। राहु कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन यदि आप जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर के कार्य करते हैं तो ज्यादा सफलता देने का काम करता है। अब बारहवां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्च का, हॉस्पिटल का। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी भी दे सकता है यदि राहु आपका खराब है तो। हॉस्पिटल के आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कोई गलत आरोप आप पर लग सकता है, इसलिए बचकर रहने की आपको जरूरत रहेगी। कोई स्त्री आपको गलत आरोप लगा सकती है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं जिसमें आपका नुकसान हो। कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो तो सोच करके, विचार करके, डिसीजन लेकर के ही करना है, नहीं तो बड़ा नुकसान भी देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। हाँ, यदि आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए राहु बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही राहु की तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि एक समान मानी जाती है। अब राहु आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां से पांचवी दृष्टि की यदि बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चौथे भाव में, चौथे भाव को देखेंगे। अब चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है तो आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, या मकान खरीद सकते हो, या लग्जरीस वाहन खरीद सकते हो। ये योग जरूर बनाने का काम करेगा। वही राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये आपके छठे भाव में जो है सप्तम दृष्टि से देखेगा। और छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का। तो कहीं ना कहीं यदि शुभ है तो रोगों को दूर करने का भी काम करेगा, ऋणों को समाप्त करने का भी काम करेगा, कंपटीशन में सफलता भी देने का काम करेगा और नौकरी में भी पदोन्नति देने का काम करता है। तो यहां पर भी राहु जो है अपना प्रभाव बना के रखेगा। राहु की नवम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में नवम दृष्टि पड़ेगी। अब अष्टम भाव जो होता है ये गूढ़ ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है, बड़ी व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, आयु मृत्यु का होता है, संकट का होता है। तो यहां पर राहु यदि देखा जाए तो गुप्त धन भी आपको दे सकता है, अचानक बड़ा लाभ भी आपको दे सकता है। चाहे कोई आपकी पॉलिसी या आपने कहीं पैसा दिया है तो वो रिकवर भी हो सकता है। आध्यात्म में आपका मन लग सकता है, लगाव बढ़ सकता है, गुण ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों पर भी जो है राहु का जो है प्रभाव रहने वाला है। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु खराब स्थिति में बैठा है तो नुकसान भी कर सकता है, एक्सीडेंट के योग बना सकता है, जेल तक पहुंचाने का काम कर सकता है, गलत आरोप लगा सकता है, आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें आपको जो है हार भी मिल सकती है, ये भी संभावनाएं हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देने की विशेष जरूरत रहने वाली है। तो राहु इन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे तो नुकसान भी कर सकते हैं। केतु की यदि बात करें तो केतु छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे। और राहु जो है शत्रु पैदा करने का काम करता है, लेकिन केतु जो है शत्रुओं को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। शत्रु यदि आपका कुछ नुकसान करेंगे तो केतु यहां पर बैठ करके शत्रु पर जो है बुरा प्रभाव डालेंगे। वही कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम यहां पर केतु करते हैं। अब केतु की पांचवी दृष्टि की बात करें तो आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी और केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो,
सभी क्षेत्रों पर केतु जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही केतु 12वें भाव को भी सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो यहाँ पर जो है खर्चे भी खूब करवाएगा, बड़े बड़े खर्चे आपके हो सकते हैं, आप जो है फालतू खर्चों पर भी जो है लिप्त कर सकते हो, लिप्त हो सकते हो, इसलिए विशेष रूप से खर्चों पर भी आपको बचना चाहिए। केतु की नवम दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, तो धन भी देने का काम करेंगे, दो नंबर से कमाई हो सकती है, कमीशन वाले काम कर सकते हो, कोई ऐसे कार्य कर सकते हो जहां पर कम मेहनत हो और ज्यादा लाभ हो, तो ये स्थितियां भी बन सकती है। तो केतु बड़ा लाभ देने का भी काम करेंगे। तो राहु और केतु आपके लिए यदि देखा जाए तो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लाभकारी ही है। और यदि आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे भाव में बैठे हैं, योग कारक है, तो आपको जबरदस्त लाभ देकर के ही जाएंगे। और शनि तो आपको लाभ देने वाले ही है 2025 तक, क्योंकि लाभ भाव में ये स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि का लाभ आपको जरूर मिलेगा, साथ ही साथ राहु और केतु का भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। गुरु आपकी राशि में लगभग एक वर्ष तक रहने वाले हैं मेष राशि में, तो गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होने वाला है, तो आप लाभ ले सकते हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।